सीहोर में कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान अपनी नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद 4 माह से न्याय के लिए भटक रहे ग्रामीण माँ और पिता ने आत्मदाह की कोशिश की। उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने उनको हिरासत में ले लिया। सीहोर जिले के ग्राम संग्रामपुर के एक छोटे से किसान प्रभुलाल और उसकी पत्नी सीता के सामने विगत 13 मार्च को उनकी ही आंखों की लाडली नाबालिग बेटी का दिन दहाड़े पूरे गांव के सामने गांव के दबंगों के इशारे पर 3 आरोपियों जितेंद्र मेवाड़ा, राहुल और सुमेर सिंह ने बलात् अपहरण कर लिया। घबराई किसान दंपति ने मंडी थाने पहुंचकर इस अपहरण की लिखित शिकायत की, जिस पर 14 मार्च को मंडी थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण का मामला पंजीकृत तो कर लिया लेकिन अपहरणकर्ताओं की कोई खोज खबर नहीं ली। हालात ये बने कि ये किसान दंपति का अपनी बेटी के अपहरण के कारण जीना दुर्भर हो गया है, जबकि 4 माह व्यतीत हो चुके हैं। गुस्साए किसान और उसकी पत्नी ने जनसुनवाई में कलेक्टर को कार्यालय पहुंचकर अपना गुस्सा एवं दुख बयां किया और तेल डालकर आत्मदाह करने की बात कही है, जिस पर वहां मौजूद कोतवाली TI संध्या मिश्रा और सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया है। सीहोर से विनेश चौहान की रिपोर्ट। रामपुर वाला मामला है, एक नाबालिग लड़की का जो अपहरण हुआ है 14 मार्च को, उसके विषय में अभी तक क्या तफ्तीश हो रही है? इंस्पेक्टर की विवेचना अभी CSP साहब को दे दी गई है, CSP सीहोर इसकी विवेचना कर रहे हैं और इसमें मुद्दा एक आरोपी जितेंद्र का नाम आया है कि वो नाबालिग लड़की को ले गया है, इसके साथ में तो सहयोग उनके नाम भी आया है, तो उन तीनों की अब उसे पूरी तलाश चालू कर दी है। हम लोग उनके और लेटर जो फैमिली वालों से लगातार दबिश दे रहे हैं, उनको उम्मीद है कि जल्दी उसको बरामद करेंगे। पड़ा जब गांव में से दिन के 12 बजे एक लड़की नाबालिग का अपहरण होता है, 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उस लड़की का कोई पता नहीं है, लड़की कहाँ है, लड़की मर चुकी है या लड़की जिंदा है, या तो हमें शासन प्रशासन इस प्रकार की कोई सबूत दे कि लड़की मर चुकी है तो हम उसका शोक मनाएं, या अगर लड़की जिंदी है तो शासन प्रशासन लाके दे। सरकार कहती है हम इस प्रकार से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चलाती है, बेटियों के लिए कई प्रकार का कार्यक्रम करती है और जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर की घटनाएं हैं, 4 माह बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी उस गरीब परिवार की कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसलिए अगर कल लड़की के माँ बाप पूरे परिवार ने कलेक्टर महोदय से निवेदन करा है कि हमारी लड़की को लाके दिए जाए, अगर कल